हेलो दोस्तों, आज हम वाईफाई कैमरा इंस्टॉलेशन और इसका कैसे इसमें अक्सर दिक्कत आता है कि जब आप कैमरा को आप उल्टा लगा देते हैं, जैसे देखिए, जैसे ये भी हो गया, MI का भी हो गया और इजी कैम है मेरे पास, ठीक है। तो हम पहले आज इजी कैम का ये वीडियो बना रहे हैं, फिर MI का बता देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम साइड कर दे रहे हैं। ये रहा कैमरा इजी कैम का, ठीक है। ये कैमरा हो गया आपका, और कैमरे को आप कैसे मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे इमेज इसका अक्सर आप लगाते हैं, तो अगर कहीं छत और दीवार में लगा दिए, तो आप ऐसे कहीं लगाएंगे तो ये तो इमेज क्वालिटी आपका सीधा देगा, उस परिस्थिति में आपका इमेज क्वालिटी सीधा आता है, ठीक है। कहीं हम छत और दीवार में लगा दिए, ऐसे उल्टा लगा दिए, तो ये इमेज क्वालिटी उल्टा हो जाता है। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे हम इसको चेंज करें, कैसे सीधा करें, बार बार मोबाइल उल्टा करके देखना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और ये प्रॉब्लम ज़रूर आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। थैंक यू दोस्तों। अब हम इसको हैंग कर दे रहे हैं, इसको ऑनलाइन करके फिर हम बता रहे हैं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने इजी कैम ऐप पे, क्योंकि ऐप के ही माध्यम से ये सॉल्व होगा, क्योंकि आपका इमेज चेंज होगा, ठीक है। जब हम उल्टा इसको लगा देंगे, उस वक्त आपको ऐप से ही इसका सारा मॉनिटरिंग होती है और इसका फंक्शन काम करता है। तो इसको हम हैंग कर दे रहे हैं दीवार में चाहे छत में, उसके बाद से हम आपको इमेज दिखाएंगे कि कैसे उल्टा सीधा आप जैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल ऐप पे, और ऐप के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं मोबाइल ऐप पे, अब हम ऐप के थ्रू बताएंगे कि कैसे आप अपना इमेज क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब इमेज मूवमेंट मतलब रोटेशन कर सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि परेशान हो जाते हैं कि चेंज कैसे करें, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, रोटेट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम बता देंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इजी कैम ऐप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद से ये देखिए, ये कैमरा को हम इस ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लिए हैं। कनेक्ट करने के बाद से इसको आप ओपन करिए। जैसे आप ओपन करेंगे, आपका वीडियो खुलेगा। देखिए, ये तो सीधा है, क्योंकि हम सीधा करके इसको अभी चेक किए थे, ठीक है। यहाँ पे जो थ्री डॉट है, आप क्लिक करिए। थ्री डॉट का क्लिक करने के बाद से ये बेसिक सेटिंग पे क्लिक करिए। बेसिक सेटिंग पे ये जो सेटिंग है, ये हमेशा ऑफ रहता है। ये जो फुल स्क्रीन की सेटिंग है, ये ऑफ रहता है। तो ये जब ऑफ रहेगा, तो आपका सीधा अगर कैमरा रहेगा तो वो सीधा ही दिखाएगा। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो उल्टा इमेज दिखाएगा। तो वो हमेशा ऑप्शन सीधा के मूड में ही रहता है, तो ऐसे ही आपका चलेगा। जब आप उल्टा लगा देंगे कैमरा, तो उल्टा दिखाएगा इमेज। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करिए, फिर बेसिक सेटिंग में जाइए। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद से फुल स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। फ्लिप स्क्रीन है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, हम गलत बोल दिए, ठीक है। इसको आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद से आप देखेंगे कि बैक आ जाइए। देखिए, मेरा इमेज जो है कि वो सीधा हो गया है। देखिए, यहाँ पे जो CP+ लिखा हुआ है, ये सीधा है। टाइम और डेट सीधा है। मेरा कैमरा उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, छत में लगा हुआ है। छत में लगने के कारण से जो मेरी इमेज बन रही थी, वो उल्टा बन रही थी। तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिए। ऑन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे टेक्निकल वीडियो हमेशा मेरे चैनल पे नए नए आते रहते हैं, नए नए जानकारी के साथ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।